कड़वी बातें थोड़ा आप लोग सुनिए, कड़वी बातें। हमारे ज्यादातर राजा सत्ताजीवी थे, वो सत्ता के लिए लड़ते थे, वो अपने उनके राज्य में अटैक होता था तो वो लड़ते थे, राज्य के बाहर निकालते थे, जैसे बाहर निकालते थे आराम से बैठ जाते थे, फिर जिसके राज्य में वो जाते थे वो लड़ते थे, वो अपने राज्य से बाहर निकालते थे वो भी बैठ जाते थे। गजनी 18 बार हारने के बाद भी जीता, क्योंकि वो राज्य के नहीं लड़ रहा था, वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा था, वो इस्लाम के लिए लड़ रहा था, वो धर्म मजहब के लिए लड़ रहा था। हमारे राजा अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे, और गजनी, गोरी, बाबर, तुगलक, औरंगजेब जितने भी आए सब केवल और केवल उनके लिए सत्ता एक साधन था अपने मजहब के प्रचार प्रसार करने का। नहीं तो मुझे आप एक एग्जाम्पल बताइए जहां किसी हिंदू राजा ने दूसरे देश पे कब्जा करके वहां हिंदू धर्म थोप दिया हो और दूसरों कन्वर्ट करा के हिंदू बना दिया हो। और कोई ऐसा मुगल राजा बताइए जो यहां आया, लूटा, खसोटा और लेके गया और कन्वर्ट नहीं कराया। अगर वास्तव में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को केवल राज चाहिए था, केवल उनको लूट का माल चाहिए था, केवल सोना चाहिए था, तो आते लूटते उसके बाद आराम से राज करते। मंदिर क्यों तोड़ा उन्होंने? इतनी बहन बेटियों को कन्वर्ट क्यों कराया? एक मैं आपको डेटा देता हूं, बच्चे बहुत हैं, इस पे अपना विचार रखना, सोचना बाद में ईसा से, और आप गूगल करेंगे तो बाद में डेमोग्राफी ऑफ इंडिया आपको गूगल पे मिल भी जाए। ईसा से 200 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, भारत का मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश उसी में था। ईसा से 100 साल पहले 15 करोड़, ध्यान रखिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, 200 साल पहले 14 करोड़, 100 साल पहले 15 करोड़, यानी 100 साल में कितनी बढ़ गई? 1 करोड़। जब ईसा शुरू हुआ तो भारत की जनसंख्या 16 करोड़, इसका मतलब 1 करोड़ और बढ़ी। ईसा के 100 साल के बाद भारत की जनसंख्या 18 करोड़, ईसा के 200 साल के बाद भारत की जनसंख्या 20 करोड़, ईसा के 300 साल के बाद भारत की जनसंख्या 22 करोड़, ईसा के 400 साल के बाद भारत की जनसंख्या 25 करोड़। जब मैं भारत कहूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश उसी में रखिए। ईसा के 600 साल पहले, 600 साल बाद भारत की जनसंख्या 33 करोड़, और ईसा के 700 साल के बाद भारत की जनसंख्या 40 करोड़। ध्यान रखिए, छठवीं शताब्दी में कितना है? 33 करोड़। सातवीं शताब्दी में कितनी है? यानी कितनी बढ़ गई? इस रेशियो से आठवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए थी? 40 से 47, 7 करोड़ बननी चाहिए थी, लेकिन 8वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या हो गई 39 करोड़। 40 से कितनी हो गई? अब आगे देखिए, 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, 10वीं शताब्दी में गजनी आता है 36 करोड़, 11वीं शताब्दी में 33 करोड़, 12वीं शताब्दी में घोरी आता है 23 करोड़, सीधे 28 करोड़ से 23 करोड़, 5 करोड़ कम। 13वीं शताब्दी में 23 करोड़, 14वीं शताब्दी में 18 करोड़, 5 करोड़ फिर कम। 15वीं शताब्दी में बाबर आता है 13 करोड़, 16वीं शताब्दी में 14 करोड़, 17वीं शताब्दी में 14 करोड़। ईसा के 200 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, यानी 1900 सालों तक, 1900 ईयर्स, भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे? तो हो क्या रहा था फिर? भारत बढ़ रहा था, भारत में कन्वर्जन हो रहा था, भारत कट रहा था, भारत बंट रहा था, और काटने के बाद, बांटने के बाद धर्मांतरण भी हो रहा था। तो जब इतना बड़ा इतिहास हमारे सामने है, तो जब हमें आजादी मिल गई तो हमारे माननीयों की पहली ड्यूटी क्या थी? इस तरीके के नियम कानून बनाना जिससे धर्म की जय हो, अधर्म का, क्योंकि जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा प्राणियों में सद्भावना, और तब तक भारत का कल्याण। लेकिन उन्होंने क्या किया? 1991 में, 1991 में एक कानून बनाया
उसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और यह कानून बना के कहा अयोध्या के अलावा और किसी भी मंदिर के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, केवल अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए हल होगा, इसके अलावा और कोई भी विवाद, चाहे वो धार का विवाद हो, चाहे वो भोशाला का विवाद हो, चाहे वो मथुरा का विवाद हो, चाहे वो काशी का विवाद हो, चाहे वो जौनपुर के अटाला का विवाद हो, ऐसे 100 से ज़्यादा और महत्वपूर्ण स्थान है जिन धार्मिक स्थानों का विवरण वेद पुराण में है या गीता रामायण में है या धार्मिक किताबों में है, जिन स्थानों के बारे में इतिहासकारों ने कहा है इनको तोड़ के बनाया गया, जिन स्थानों के बारे में वास्तुशास्त्री कहते हैं कि ये तोड़ा गया, जिस स्थानों के बारे में जो पुरातत्व के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं तोड़ा गया, वैज्ञानिक कह रहे हैं तोड़ा गया, धर्माचार्य कह रहे हैं तोड़ा गया, इतिहासकार कह रहे हैं तोड़ा गया, तोड़ने वाले ने अपने गजेटियर में लिखवाया कि हां मैंने तोड़ा, उन स्थानों के लिए कोर्ट जाने से रोक देना हमें और आपको ये देश से गद्दारी है कि नहीं, जरा जोर से बोलिए। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जिन लोगों ने साइन किया है वो मक्कारी किया कि नहीं किया, ये संसदीय महापाप है कि नहीं, ये देशद्रोह है कि नहीं, ये भारत की संस्कृति भारत की सभ्यता के साथ गद्दारी है कि नहीं। लेकिन ऐसा कानून बनाया गया, इस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मेरे साथ हमारे मित्र विष्णु जैन है, हरशंकर जैन, उन्होंने चैलेंज किया है और कुछ महामंडलेश्वर भी आ गए हैं, अभी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हैं, इसकी सुनवाई कर रही है और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का स्नेह रहा, तो 6 महीने साल भर के अंदर जब सुनवाई होगी ये तय मानिए इस घटिया कानून की अंतिम कील हम ठोकेंगे सुप्रीम कोर्ट। किसी भी देश की जो संसद होती है वो वहां की संस्कृति को बचाने के लिए कानून बनाती है, संसद की ड्यूटी है वहां की भाषा का विकास करना, वहां की संस्कृति का विकास करना, इस तरीके के नियम कानून बनाना जिससे भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय भाषा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय कल्चर, उसका प्रचार प्रसार हो। लेकिन किया गया ठीक उल्टा और ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना के कह दिया कि अयोध्या के अलावा अब आप किसी मंदिर को कोर्ट में जा नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। अगर लोकतांत्रिक देश में किसी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो याद रखिए लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। सबसे शांतिपूर्वक जो किसी विवाद का समाधान होता है वो कोर्ट के जरिए होता है और सरकार ने, संसद ने, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने अपने सहयोगियों के साथ यह काला कानून बनाया, ये महापाप किया उन्होंने जिस पर हम पहली बार आज चर्चा कर रहे हैं इस धरती पर। इस महापाप को वापस लेना जरूरी है, संसद इसको उठाए तो उठाए, सांसद इसको संसद में उठाए या ना उठाए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसको उठाया है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में खत्म है। मैं अपने अधिवक्ता धर्म का पालन कर रहा हूं और इनफैक्ट एक्चुअल में मैं एक्सीडेंटल इंजीनियर था, पिताजी की इच्छा थी, हमारे गांव को इंजीनियर नहीं था तो बोले तुम इंजीनियरिंग करो, पिताजी की इच्छा थी तो मैं बड़ा था, हमने कहा मैं नहीं पूरा करूंगा, छोटा वाला ही नहीं करेगा, तो मैं इंजीनियर बन गया। फिर मुझे लगा कि ये, मैं कई कंपनियों में रहा, लास्ट कंपनी थी मारुति जो कार बनती है, मैं उसमें था, वहाँ से छोड़ा मैंने। तो एक्सीडेंटल इंजीनियर बना, एक्सीडेंटल इंजीनियर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ वाले आज की डेट में कोई जीएम बन गया, कोई डीजीएम बन गया, कोई 10 लाख तनख्वाह ले रहा है, कोई 20 लाख तनख्वाह ले रहा है, मैं बीच में सीनियर इंजीनियर से छोड़ के बाहर आ गया तो एक्सीडेंटल हो गया। मैं एक्सीडेंटल एडवोकेट भी हूँ क्योंकि मेरे साथ वाले मर्सिडीज पे घूमते हैं, मैं वैगनार से घूमता हूँ, तो मैं इसलिए बहुत अच्छा वकील भी नहीं हूँ। मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन भी हूँ क्योंकि मेरे साथ वाले, अगर आप मेरी विकिपीडिया पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा मैं बीजेपी में तो बाद में आया था, इनफैक्ट मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर था।
मैं एक अन्ना आंदोलन हुआ था, जो टीम अन्ना बनी थी, उस टीम अन्ना का पार्ट था मैं। तो मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूं, क्योंकि मेरे साथ वाले कोई डिप्टी सीएम बन गया, कोई मंत्री बन गया, सांसद विधायक सब बन गए, हमसे छोटे छोटे वाले भी सांसद विधायक बन गए, हम अभी ऐसे ही घूम रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो एक्सीडेंटल इंजीनियर, एक्सीडेंटल एडवोकेट, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कम से कम भारत माता का एक अच्छा बेटा बन जाऊँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। अपने धर्म की रक्षा कर लूँ, अपनी संस्कृति की रक्षा कर लूँ, उस प्रयास में लगा हुआ हूँ। और इसीलिए मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में,